एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसीलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले तो वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसीलिए अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने ग्वार बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उससे यही कहता था कि भाई, पहले मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए दोस्त मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसीलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है, अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या। उस गवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि
मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ, तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।